हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा टेक्निकल रेजिग्नेशन विद लियन से। यहाँ पर आप एक ऑर्डर देखोगे जहाँ पर एक जीएसटी के इंस्पेक्टर ने, जो कि प्रमोट हो गए थे सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर, उन्होंने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया और टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स ज्वाइन किया। तो ये आप देख सकते हो इसी साल का है, लेटेस्ट है। अब पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक देखना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, इन्होंने टेक्निकल रेजिग्नेशन देके टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट चूज करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनको पहले से पता था कि इनका प्रमोशन होने वाला ही, क्लियरली नो दैट। अब आप देख सकते हो कि ये इसी साल का मैटर है, तो इसलिए लेटेस्ट है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस बार भी टैक्स असिस्टेंट या ऐसी पोस्ट चूज करोगे अपने घर के लिए, होम टाउन के लिए। जनरली लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं और कुछ और पर्सनल रीजंस भी होते हैं, जो जैसे सीबीआई किसी ने ले लिया, वहाँ पर काफ़ी वर्क प्रेशर है, तो फिर वो छोड़कर किसी भी पोस्ट पर आ जाते हैं जो उनके घर के आसपास मिलती है। तो उसमें इनकम टैक्स की बहुत अच्छी पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। जैसे पे प्रोटेक्शन का भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर दूसरी जगह पर अप्लाई करता है और वहाँ सेलेक्ट हो जाता है और टेक्निकल रेजिग्नेशन उसका एक्सेप्ट होता है, तो उसकी पे प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे सपोज किसी इंस्पेक्टर की पे 45,000 स्टार्टिंग और 6 से 7 इंक्रीमेंट लग चुके हैं और उसके बाद 53-54,000 हो जाती है बेसिक पे जो है। तो आप देखोगे कि जो नया टैक्स असिस्टेंट रिक्रूट होता है वहाँ पर 26,000 पे होती है, तो इसमें डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो इस डिफरेंस को देखें, अगर वो अपनी कंटिन्यू उसी जॉब को करते तो इसी 54,000 पर इंक्रीमेंट मिलते और 75,000 इनहैंड जॉब सैलरी होती। वही टैक्स असिस्टेंट में उनकी सैलरी 38 होती, ऑलमोस्ट हाफ। तो होता क्या है कि जब आप ऐसा टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो लियन के साथ, तब आपकी पे फिक्स हो जाती है। तो जो आपकी पे होगी वो 75 ही होगी, पर आपकी पोस्ट का नाम बदल जाएगा, वो टैक्स असिस्टेंट होगा इंस्पेक्टर की जगह, पर आपकी सैलरी वही रहेगी। तो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन पे प्रोटेक्शन का फायदा है। और जो एनुअल इंक्रीमेंट लगेंगे आपके, जैसे कि अभी सपोज करो आपकी 8 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, अब टीए की पोस्ट में पहली बार तो वो 8 इंक्रीमेंट आपके जुड़ेंगे नहीं, ऐड नहीं होंगे। तो जो आपके 8 इंक्रीमेंट लग चुके हैं वहीं से आपका शुरू होगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होंगे 2 इंक्रीमेंट, जब तक आप प्रोबेशन पर रहोगे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर या ऑडिटर की पोस्ट पर, जिस भी लोअर पोस्ट पर आपने ज्वाइन किया है, तो नेक्स्ट 2 इंक्रीमेंट आपके आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट या जिस भी आप हायर ग्रेड मेंबर हो उसी के इंक्रीमेंट लगेंगे। जब आप प्रोबेशन और कन्फर्मेशन एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप पर फिर टैक्स असिस्टेंट के इंक्रीमेंट लगेंगे। जैसे 4600 ग्रेड में बात करें, 1600-1800 जो भी आपके इंक्रीमेंट है, वो फिर आपके 700-800-900 रुपये के जो है या 1200 रुपये के वो हो जाएंगे उस जॉब के जिसमें आप जा रहे हो लोअर ग्रेड में पर। तो इंक्रीमेंट का एक फ़र्क पड़ेगा 300-400 या 800 रुपये का हर साल का, 2 साल के बाद। इनकेस आप वापस आना चाहते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है वापस आते हो, तो आपकी जो एब्सेंस रही है वो इंक्रीमेंट आपके काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी उसी पे के ड्रॉ की है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज़ समझ आ गई हो। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग। मेडिकल से रिलेटेड अगर वो भी जानकारी देंगे, कैरेक्टर फॉर्म्स वगैरह होते हैं, अटेस्टेशन उनका क्या होगा वो भी देखेंगे। तो ये आप देखोगे कि कुछ डिपार्टमेंट 2016 में आया था बट फॉलो नहीं करते थे, पे फिक्स नहीं करते थे। काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनोमलीज थी, कई जगह पर हो जाता था कहीं पर नहीं होता था। इसकी वजह से 2018 में इसी का रेफरेंस देके दोबारा से मैटर हाईलाइट हुआ और इसको बोला गया कि क्लैरिटी के लिए और ईज ऑफ रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हो कि क्लैरिटी लाने के लिए इसको दोबारा से कंसीडर किया गया। उसमें क्या हुआ, क्लैरिटी टेक्निकल रेजिग्नेशन की जो मास्टर सर्कुलर लियन और टेक्निकल रेजिग्नेशन की गाइडलाइंस है वो तैयार की गई, उसमें भी यही बोला गया कि आपने सबसे पहले तो प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया होना चाहिए। अगर आपको पे फिक्स कराना है हायर टू लोअर, तो प्रॉपर चैनल से आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो, यानी कि आपने इंटीमेट किया हो डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही या फिर जब आपने अप्लाई किया उस टाइम पर। दूसरा, आपका प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए अगर आप हायर टू लोअर पर जा रहे हैं, लियन मतलब आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, विजिलेंस एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपकी कोई फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे उसके बाद आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन विद लियन मिल जाएगा, जहाँ पर आपकी पे प्रोटेक्ट हो जाएगी और आपके जो भी पास सर्विस के बेनिफिट्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ आई हो कि 3 चीज़ें, अगर आपने सपोज करो कि अभी एग्ज़ाम देके 2018 से या फिर और किसी एग्ज़ाम से लेटेस्ट ज्वाइन किया, पर आपने
पहले वाला एग्जाम जैसे 2019 का 2020 का पहले ही दे दिया है जो नेक्स्ट एग्जाम है, तो आपको ज्वाइन करते ही इंटीमेट करना होगा। तो ज्वाइनिंग होते ही जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन गए हो वहाँ पर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, तभी वो लोग आपको वहाँ से फिर रिलीव करेंगे, वरना वो लोग आपको रिलीव नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर आपको टेक्निकल नहीं मिलेगा। लीव बेनिफिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, चाइल्ड केयर लीव है जैसे, सारे बैलेंस जो भी होगा अनयूटिलाइज्ड वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। EL, HPL 300 दिन से ज़्यादा की आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, लिमिट है 300 दिन की वो रहेगी। LTC लीव ट्रेवल कंसेशन जो रहता है वो आपका आप देख सकते हो 8 साल का होता है फ्रेश इक्विटी का, तो 4 साल अगर आपने सर्व कर लिया कहीं पर तो 4 और बचा वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। GPF ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए, NPS नए वालों के लिए, तो NPS भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियरिटी आपकी जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर उस पोस्ट पर नहीं रहेगी बट पुरानी पोस्ट पर रहेगी। सपोज आप 6 साल की सीनियरिटी लेके बैठे हो अभी पुरानी पोस्ट पर, और तो कहीं पर 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस मांगी किसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, तो ये आपकी सर्विस काउंट हो जाएगी, आप सीनियर माने जाओगे। क्वार्टर्स वगैरह में आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। ऐसे 3-4 जगह है जहाँ पर आपकी सीनियरिटी मैटर करती है। नई पोस्ट पर आप कहीं पर डेपुटेशन में अप्लाई करते हैं तो अपार ACR ग्रेडिंग मांगते हैं, वहाँ पर काम आएगी। तो गाइज आई होप छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, आई विल क्लियर दोज प्रॉब्लम्स। और न्यू पेंशन स्कीम में जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ है, सर्विस बुक का आपका एक सर्विस रिकॉर्ड होता है, डोजियर्स होते हैं, वो भी आपके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जहाँ आप काम कर रहे हो। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्विस बुक भी ऐसा नहीं है कि आप लिए करो तो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट में रखी जाएगी। मेडिकल एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर सेम टाइप का मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड है उस पोस्ट के लिए जिस पर आप जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेश मेडिकल कराने की, डिफरेंट मेडिकल है तब ज़रूरत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जो है आपके जो अटेस्टेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने रिज़ाइन करने के बाद ज्वाइन कर लिया, बट अगर 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है या 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा का, तब ज़रूरत है। लियन की बात करें जैसे मैंने आपको बताया, लियन में आप पुरानी जॉब में वापस आ सकते हो, उसके लिए आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाना चाहिए, मतलब आप कन्फर्म हो जाना चाहिए। तो आप लियन में अगर आप अपनी उस जॉब में प्रमोट हो चुके थे और दूसरे डिपार्टमेंट में गए लोअर पोस्ट, तब भी आप वापस आके ज्वाइन कर सकते हो, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ये राइट सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि जूनियर पोस्ट जो है आपका उसको रिवर्ट किया जाएगा उससे नीचे पोस्ट पर, तभी आपको उसकी हायर पोस्ट मिलेगी प्रमोशन वाली। तो गाइज आपको छोटी छोटी चीज़ें आई होप समझ आ रही होंगी। ऐसे लियन जो होता है वो आपका ड्यूटी जब आप परफॉर्म करोगे तब रहेगा, ये छोटी मोटी चीज़ है, इनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र हो जाएगा तब भी आपका लियन रहेगा एक स्टेशन से दूसरे, या जिस भी लोअर ग्रेड पेपर लीव पर रहोगे तब भी आपका रहेगा, ये सारी कंडीशन पे आपका लियन रहेगा। सस्पेंड होगे नई जगह पे तब भी आपका लियन रहेगा, उससे लियन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आप पुरानी जगह पर कभी भी जा सकते हो। तो ये कंडीशंस रहती है, तो जब ख़त्म होगा जब आपका वहाँ दूसरी जगह पर आप कन्फर्म हो चुके हो तब आपका लियन ख़त्म हो जाएगा पुरानी जगह पर। रिटेंशन जो रहेगा लियन का अपॉइंटमेंट में, जैसे मैंने अभी बताया कि परमानेंट के लिए 2 साल आपके हो जाने चाहिए लियन के लिए, 3 साल जहाँ पर भी कन्फर्मेशन अगर आपका नहीं हुआ है वहाँ पर 3 साल तक भी चलेगा लियन, तो आप वापस आ सकते हो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप जिस जगह पर गए वहाँ अभी कन्फर्म नहीं हुए हो। दूसरा, टाइमली एक्शन लिया जाएगा, तो ये 2 से 3 साल का है, किसी किसी जगह पर 2 साल, किसी किसी जगह पर 3 साल, तो आप 2 ही मान के चलना, कोई और अगर वैसे सर्कमस्टेंसेस हुए तब 3 हो सकता है अगर कन्फर्मेशन नहीं होता है। टर्मिनेशन कब होगा, जब आप उस जगह पर गए हो और वहाँ पर आप कन्फर्म हो गए हो, तो ये चीज़, या आप वहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए या फॉरन पर डेपुटेशन पर चले गए हो। ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको 10 से 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, तो वो ज्वाइनिंग टाइम आपको पूरा मिलेगा, उसमें आपको 10 दिन की सैलरी मिलती है, चाहे आप वो लीव ले लो या फिर उनको क्रेडिट करा लो। तो एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपकी पुरानी जगह का जो सामान रखा है आपका, तो वो सारा आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, जो आपके बेसिक पे का 80% होता है अगर आपकी सर्विस को 3 साल हो चुके हैं तो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अभी ज्वाइन करेंगे किसी पोस्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक इट।